हे गाइस, स्वागत है आप सबका पोकेमोन अनबाउंड के एक और नए एपिसोड में। तो गाइस, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने हमारे तीसरे जिम बैच को हासिल कर लिया था। एलिस को हराने के बाद हम लोगों को मिल चुका था हमारा विंग बैच। एंड आज के एपिसोड में हम लोग एक मिशन को पूरा करने वाले हैं। अगर आपको पता ही रहेगा, ये वाला नहीं, ये जो केबीटी एक्सप्रेस वे वाला, वो वाला नहीं। और हम लोगों को कहाँ पर जाना है, फॉलशोर सिटी में जाना है। बट या ये तो हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको याद रहेगा, वो छोटे बच्चे की जो गुमशुदा होने वाली काइंड ऑफ एक मिशन थी, वो आज के एपिसोड में हम लोग सबसे पहले करेंगे। हम लोगों को पता चला था कि वो काइंड ऑफ रूट 8 पे वो बच्चा गुमशुदा हो चुका है, लेकिन उससे पहले हम लोगों को मैक्स रिपेल मार लेना है। मैक्स रिपेल नहीं, रिपेल मार लेते हैं। मैंने सुपर रिपेल भी काइंड ऑफ देख सकते हैं 26 खरीद के रखे थे, क्योंकि मुझे पता था कि काइंड ऑफ काम आने वाले आज के एपिसोड में। सो या दैट्स वाई मैंने बाई कर लिया। लेकिन गाइज, आज के एपिसोड में हम लोगों को पहले तो मिशन करना है, क्योंकि मतलब हम लोगों को ऐसा बताया गया था कि वो बच्चा काइंड ऑफ रूट 8 पे ही काइंड ऑफ गुमशुदा हो चुका है। तो मुझे सबसे पहले उस लड़की को ढूंढना पड़ेगा, एंड उसको उसके बाद आई गेस मे बी उसके बाद मेरा काम हो ईजी हो जाएगा। आई डोंट नो, वेट एक मिनट, आई गेस मेरे को लड़का मिल चुका है। ओके, ये पिकाचू कपड़े पहना हुआ यही बच्चा है। ओके, इसका नाम है विली। प्लीज़ डोंट ईट मी। ओके, यू आर नॉट अ पोकेमोन। आई थॉट अ पोकेमोन वॉज गोइंग टू ईट मी। आई वॉन्ट टू गो होम। आई रैन अवे फ्रॉम माई मीन सिस्टर, बट आई रियली मिस हर नाउ। प्लीज़ टेक मी बैक टू ब्लिज़ार्ड सिटी। आई विल फॉलो यू देयर। ओके, ठीक है। व्हाइल टीम अप विद विली, The first three viable Pokemon in your party will be selected for battle. Okay, कोई बात नहीं, तो अभी हमारे साथ आएगा। ओके, कोई बात नहीं, दैट्स क्यूट। मतलब ये बच्चा कितना क्यूट है। एंड हम लोगों को इसको ब्लिज़ार्ड सिटी लेके जाना है ना, तो रिपेल के साथ क्या मैं साइकिल यूज़ कर सकता हूँ? नहीं, अभी यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, मैं अकेला साइकिल चलाऊँगा तो इसको कैसे लेके जाऊँगा ना। सो या इट्स बेटर कि हम लोग इसको जल्दी से जल्दी इसके दीदी के पास छोड़ के आए। एंड गाइज, मुझे आपने बताया था कि अगर मैं काइंड ऑफ मिशन पूरा करता हूँ तो मुझे इन रिटर्न भी कुछ आइटम्स मिलते हैं। तो लेट्स सी इसकी दीदी हम लोगों को क्या देती है। रिपेल्स हम लोग मार लेंगे बहुत सारे हैं। वेट, मुझे ये वाला आइटम के बारे में पता नहीं था, दिस आइटम। ओके, एक सुपर पोशन मिला, दैट्स नाइस। मतलब मैंने ऑलरेडी बहुत सारे परचेस करके रखे। एंड गाइज, अभी जब मैंने तीसरे जिम बैच हासिल कर लिया, तो उसके बाद से हम लोग काइंड ऑफ परचेज कर सकते हैं रिवाइव, जो कि मैंने परचेज कर लिया है। अच्छी बात है ना, अभी हम लोग शॉप में रिवाइव परचेज कर सकते हैं, जो कि आई गेस जैसे जैसे हम लोग बैजेस हासिल करते जाएंगे, वैसे वैसे काइंड ऑफ खुलेगा वो, काइंड ऑफ इसकी जो अवेलेबिलिटी होती है ना, वो काइंड ऑफ ओपन हो जाएगी जैसे जैसे मैं जिम बैजेस हासिल करूँगा, जो कि अच्छी बात है। सीरियसली काफ़ी अच्छी बात है। एंड चलो, तेरा घर आ चुका है। ओ, आई नो द वे फ्रॉम होम हियर। ओके, आई हैड फन वॉकिंग विथ यू, यू आर द बेस्ट। ओके, वेट, मेरे को कुछ दिया भी नहीं इसने। आई गेस इसका घर मुझे पता था। आई गेस अभी मेरे को रिपेल की कोई ज़रूरत नहीं है। वेट, आई गेस इसका घर यहीं पे था। चलो चेक करते हैं, यहाँ पे था कि ऊपर था? आई गेस ऊपर था इसका घर, जहाँ तक मुझे मेमोरी में। ओके, यही है उसका घर, क्योंकि आप लोग उस लड़की के सर के ऊपर दो एरो देख सकते हो ना। एरो नहीं, इट्स काइंड ऑफ दो डंडी उल्टा आए, या फिर काइंड ऑफ दो काइंड ऑफ ये उल्टा आई बोलते इसको, आई डोंट नो, मैं तो उसको उल्टा आई बोलता हूँ। तो चलो इससे बात करते हैं, एक मिनट। माई ब्रदर टोल्ड मी ऑल अबाउट हीज जर्नी बैकअप हियर। ओके, यू आर अमेजिंग। ओके, हम लोगों को TM27 रिटर्न मिल चुका है, जो कि ऑब्वियसली बात है एक ऐसा अटैक है जो अगर आपके मतलब जिस पोकेमोन के साथ आपकी सबसे ज़्यादा फ्रेंडशिप होती है ना, अगर आप उसको सिखाओगे तो ये काइंड ऑफ एक काफ़ी अच्छा फिजिकल मूव हो जाती है। ओके, दो मिशन मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया गाइज। तो आई गेस अभी हम लोग हमारे मेन मिशन के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, जो कि हम लोगों को फॉलशोर सिटी रीच करना है। एंड गाइज, आपको तो पता ही है फॉलशोर सिटी में एक स्पेशल आइटम भी हमारे लिए, आप लोगों ने मुझे बताया था। तो उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले क्रेटर टाउन जाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ईजीली हम लोग क्रेटर टाउन से ही फॉलशोर सिटी जा सकते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं क्रेटर टाउन में, एंड यहाँ पर हम लोग बाइक कॉन कर लेते हैं पहले तो। एंड यहाँ से एक मिनट, क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ से नीचे जाएंगे। एंड गाइज, अगर आपको याद होगा, यहाँ से नीचे जाने के लिए हम लोगों को रॉक स्मैश की ज़रूरत थी, बट अब जब मेरे पास रॉक स्मैश आ चुका है और एक वाइल्ड पोकेमोन भी आ चुका है, एक जियोडूड, ओके कोई बात नहीं, वो भी फीमेल वाला है। ओके, मैं रन कर दूंगा यहाँ पे।
बट या आई डोंट नो मुझे जाना कहाँ पे है। वेट, यहाँ पे बहुत सारे रास्ते हैं, चलो इस साइड जाके देखते हैं। ओके यहाँ पे तो आई गेस इसे जाने नहीं देंगे। नो वन इज़ अलाउड टू गो टू दिस वे राइट नाउ, स्क्रैम किड। ओके ठीक है, मेरे को यहाँ पे जाना अलाउड नहीं है, तो हम लोग कोई बात नहीं राइट साइड जाएंगे। एंड गाइज मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इस रोड के ऊपर से ही चलना, अदरवाइज आपको बहुत सारे वाइल्ड पोकेमॉन्स परेशान कर सकते हैं। वेट ये साइन बोर्ड पहले पढ़ लेता हूँ मैं। क्रेटर टाउन, टहल टाउन, फॉल्सोर सिटी। ओके नीचे फॉल्सोर सिटी जाने का रास्ता है, एंड आई गेस हम लोग फॉल्सोर सिटी पहुँच चुके हैं। ओके यहाँ पे बैटल्स हो रही है, ये तो वही जैक्स नाम का लड़का है, वो जो काइंड ऑफ प्रोफेसर, क्या नाम था उसका, ये जो गेम का प्रोफेसर है उसके दोस्त का ये बेटा है। आई नो काफ़ी बड़ा रिलेशन है, बट या स्टैरेप्टर यूज एरियल इज रैप्टर। ओके टेल मी हाउ टू गेट पास द बैरियर ऑन रूट 9। आई डोंट हैव टाइम टू डील विद यू शेडोज, एंड वाई शुड आई? इफ़ यू थिंक अ सिंपल सरप्राइज अटैक ऑन मी इज़ इनफ टू रिमूव इट, यू आर श्योरली मिस्टेकन। योर सिली अटेम्प्ट टू प्ले हीरो या आर टायरिंग। ओके अलग एज एम गेट रिड ऑफ हिम। ओके ओके ये क्या हो रहा है? माई बॉडी वॉन्ट डू एज आई टोल्ड। ओके इसने उसको फेंक दिया लिटरली। गुड वर्क, गुड वर्क रिटन अलग एग्जाम। ओके आई गेस जैक्स का काम खत्म हो चुका है गाइज, जैक्स इज डेड राइट नाउ। आई मीन आई एम सो सॉरी, बट मतलब मुझे तेरी याद आएगी ब्रो, सीरियसली तू काफ़ी अच्छा दोस्त था, बट आई ओरी ने उसको ख़त्म कर दिया गाइज। नाउ दैट दैट्स बीन टेकन केयर ऑफ, आई वुड बेटर गेट बैक टू रूट 9। ओके बट सीरियसली उसने लिटरली मर्डर कर दिया एक बच्चे का। ओ नहीं सीरियसली वो जिंदा है। ओके सॉरी सॉरी, दैट शेडो एडमिन रियली टिक्स मी ऑफ। ओके देर हैज़ टू बी सम वे ऑन टू रूट 9। ओके नारुतो आई होप यू डिडंट नो, यू नो सी दैट। ओके वेल आई वॉज जस्ट कॉट ऑफ गार्ड। ओके नेवर माइंड, लिसन आई नीड टू आस्क यू अ फेवर। आई नो माई ग्रैंड पा आस्क यू टू हेड टू माउंट थंडर कैप, बट बिफोर यू डू वुड यू माइंड लैंडिंग मी एंड हैंड फर्स्ट। ओके सी द शेडोज पुट सम शॉर्ट ऑफ इनविजिबल बैरियर अराउंड द रूट आई वॉज ट्राइंग टू फ्लाई टू। आई नीड हेल्प आइदर टेकिंग इट डाउन और फाइंडिंग अनदर वे ऑन रूट 9। डू यू थिंक यू कुड स्पेयर अ मोमेंट टू डू डैट? हाँ आई गेस यस, थैंक्स नारुतो, आई रियली अप्रिशिएट इट। ओके आई एम गोइंग टू ट्राई टू फाइंड सम वे ऑन रूट 9 फ्रॉम टहल टाउन, यू शुड प्रॉबली ट्राई समथिंग सिमिलर। ओके तो मेरे को टहल टाउन जाना है। ओ यू नीड टू टेक रूट 10 टू गेट ओवर टू टहल टाउन, सो दिस कुड बी हेल्प यू गेट देयर क्विकली। ओके हम लोगों को गाइस मैक्स रिपल भी मिल चुका है, इसने दिया हम लोगों को। टेक योर वे डाउन टू रूट 10 टू टहल टाउन। ओके मेरे को टहल टाउन जाना है, लेट्स गो स्टार एप्टर। कितना अच्छा है इसका पोकेमॉन फ्लाई यूज़ कर सकता है, मेरे पास कोई पोकेमॉन। आई गेस मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताना गाइस, क्या मेरा मतलब जूबैट या फिर जो भी है हमारी कोनान मुझे फ्लाई करा सकती है? आई डोंट नो। एंड वेट मेरे आई गेस पोकेमॉन हील ही थे, मैंने चेक नहीं किया। वेट मेरे को यहाँ पे चेक करने, तो मेरे पोकेमॉन हील ही है तो। बट गाइस इस टाउन में मैं कब से आना चाहता था, क्योंकि आप लोगों ने मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दिया था कि यहाँ पे एक लेडी है जिससे अगर मैं बेरीज खरीदूंगा तो मेरे पोकेमॉन की हैप्पीनेस इंक्रीज हो जाएगी। एंड गाइस आपको तो पता ही है पोकेमॉन की हैप्पीनेस इंक्रीज होने के बाद जब वो लेवल अप होते हैं तो वो इवॉल्व हो जाते हैं। तो गाइस मैंने डिसाइड कर लिया है मैं मेरे दोनों पोकेमॉन को इवॉल्व करने वाला हूँ। एंड आप लोगों ने नंबर ऑफ बेरीज भी बता दिया था, अप्रॉक्सीमेटली 35 बेरीज लगती है एक पोकेमॉन को पूरा मैक्स आउट करने के लिए, लेकिन उसके लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं पोमेक बेरी लूँगा तो मेरे पोकेमॉन की HP लो हो जाएगी बट उसकी हैप्पीनेस फुल हो जाएगी। वैसे अगर मैं कैल्पसी बेरी लूँगा तो मेरे पोकेमॉन का अटैक गिर जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। डिफेंस भी लो कराना नहीं चाहता, एट द सेम टाइम स्पेशल अटैक, स्पेशल डिफेंस, स्पीड कुछ भी लो नहीं कराना चाहता। तो इट्स बेटर कि मैं थोड़ी सी HP गिरा देता हूँ। सो दैट्स व्हाई मैंने डिसाइड किया है कि मैं पोमिक बेरी लूँगा, एंड मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 70 पोकेमॉन के लिए मतलब 70 बेरीज लगेंगी, क्योंकि मेरे दो पोकेमॉन को काइंड ऑफ मैक्स आउट करना है। तो आई गेस 70 बेरीज इनफ रहेंगी। एंड गाइज मैंने लिटरली 35,000 की परचेज कर रहा हूँ, बट या कोई बात नहीं, आई गेस इट्स वर्थ इट। ओके तो चलो अभी काम कर लेते हैं, मैं मेरे दोनों पोकेमॉन को हैप्पीनेस से काइंड ऑफ मैक्स आउट कर देता हूँ। एंड यही तरीका है अगर आपको अपने पोकेमॉन को हैप्पीनेस से इवॉल्व करना है तो सबसे पहले कोनान को मैक्स करते हैं।
जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी एचपी एक एक से कम हो रही है, बट या मतलब दो कम हुई, बट इसके बाद बता रहे कि कोनान बिकम मोर फ्रेंडली बट इट्स बेस एचपी कांट गो लोअर, मतलब ऑब्वियस ही बात है। तो गाइज इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, मतलब काइंड ऑफ स्किप कर देता हूँ। तो गाइज आई गेस मेरा थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत हो गया, क्योंकि कोनान बहुत जल्दी मैक्स आउट हो गई, जैसे कि आप देख सकते हो ओनली 48, मतलब मैंने 78 बेरी 70 खरीदी थी ना, तो 78 में से 48 रिमेन है अभी भी। बट या कोई बात नहीं, जैसे कि आप देख सकते हो कोनान के ऊपर अभी कोई भी इफेक्ट नहीं है, दैट मीन्स वो अभी हैप्पी हो चुकी है मेरे से। एंड अभी हम लोग माइड गाय को भी काइंड ऑफ फ्रेंडली बनाएंगे। आई नो इसका थोड़ा सा एचपी गिरेगा, बट या आई गेस, बट या इसको भी मैं थोड़ा सा फ्रेंडली कर लेता हूँ और मिलता हूँ आपसे। ओके गाइस, फाइनली माइड गाय भी हमारा मतलब फ्रेंडली हो चुका है, एंड अभी भी मेरे पास 12 बेरीज रिमेनिंग है, तो ये मैं किसी और पोकेमोन के यूज़ कर लूँगा। बट गाइस क्या आपको पता है, अभी मेरे दोनों पोकेमोन अगर एक लेवल भी मतलब एक लेवल भी अगर इवॉल्व हो जाएंगे ना, लेवल अप हो जाएंगे, तो वो इवॉल्व हो जाएंगे, आई एम प्रिटी श्योर। एंड कोनान को अभी इवॉल्व होने के लिए 3700 एक्सपीरियंस ही है, एंड हमारे माइड गाय को इवॉल्व होने के लिए 3200 एक्सपीरियंस ही है। तो गाइज अभी मेरे ऊपर डिसाइड करता है कि मैं सबसे पहले किसको इवॉल्व करूँ। आई गेस मेरे पास बैग में मैंने एक रेयर कैंडी देखी थी, आई एम नॉट श्योर, बट मैंने एक रेयर कैंडी तो देखी थी। ओके तो अभी मेरे ऊपर डिसाइड करता है कि मैं किसको पहले इवॉल्व करूँ, कोनान या फिर माइड गाय। गाइज मतलब ऑब्वियस ही बात है, मैं पहले कोनान को इवॉल्व करूँगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था लेडीज़ फर्स्ट, मैं कोनान को इवॉल्व करूँगा। बट डोंट वरी, माइड गाय भी जब लेवल अप हो जाएगा तो वो इवॉल्व हो जाएगा। तो चलो कोनान को भी देखते हैं, कोनान का एवोल्यूशन देखते हैं। ओके ये एयर स्लैश सीख रही है, बट आई गेस एयर स्लैश एक स्पेशल अटैकर मूव है, स्पेशल अटैकिंग मूव है। एंड जहाँ तक मुझे पता है कोनान को मैं काइंड ऑफ फिजिकल अटैकर बनाना चाहता हूँ, तो मैं एयर स्लैश उसको नहीं सिखाऊंगा, डोंट वरी। एंड जैसे कि मैंने आपको बोला था, एक बार अगर आपका पोकेमोन की हैप्पीनेस मैक्स आउट हो जाती है, तो जैसे ही वो एक लेवल मैक्स हो जाएगा तो वो पोकेमोन इवॉल्व हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो गाइस, हमारी कोनान फाइनली क्रोबैट में इवॉल्व हो रही है, एंड बूम गाइस हमारी कोनान मैक्स आउट हो चुकी है, आई मीन लेवल अप हो चुकी है या फिर इवॉल्व हो चुकी है क्रोबैट में। कोई अटैक सीख रही है क्या हमारी कोनान? ओके क्रॉस पॉइजन सीख रही है, जो कि एकदम बेस्ट टाइप ऑफ अटैक है पॉइजन अटैक में। एंड ये भी आई गेस फिजिकली अटैक है। ओके तो मैं पॉइजन फैंग हटा के क्रॉस पॉइजन इसको सिखा देगा, नो डाउट। ओके गाइज हमारी कोनान अभी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है लिटरली। गाइज प्लीज़ कोनान के लिए एक लाइक कर देना, और फिर से एयर स्लैश सीख रही है। आई गेस मेरे को इसको सिखाना ही पड़ेगा एयर स्लैश, कोई बात नहीं, आई गेस मैं इसको एयर स्लैश सिखाई देगा। विंग अटैक हटा दूँ क्या? आई गेस चलो कोई बात नहीं, एयर स्लैश विंग अटैक हटा देते हैं, एयर स्लैश सिखाएंगे उसमें क्या है। गाइज आप लोग ही बताना कि ये मैंने गलत किया कि सही किया, विंग अटैक हटाना चाहिए था कि नहीं हटाना चाहिए था, बट या कोई बात नहीं। एंड वेट मेरे को अभी चेक करना है, थोड़े से इसके स्टैट्स चेक करने हैं कि कोनान अभी कौन सी फिजिकल है कि मतलब कौन सी है। ओके इसका स्पेशल अटैक 82 है और इसका अटैक 106 है, आई मीन ठीक है, मतलब ठीक ठाक ही है, आई मीन हाँ चलो इतना भी कोई बुरा नहीं है। अभी बस इसको एक बार इवॉल्व करना है अपने माइंड गॉय को, देन वो भी इवॉल्व हो जाएगा। बट या ये क्या है, इनवर्स बैटल हाउस, ये क्या है, इन्जॉय। ओके यहाँ पे कोई बैटल होती है क्या? वेलकम टू द इनवर्स बैटल हाउस, फील फ्री टू बैटल एनी ऑफ द ट्रेनर्स हियर एज मेनी टाइम्स एज यू वॉन्ट। इफ़ यू नीड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ इनवर्स बैटल प्लीज़ कम टू टॉक टू मी, इन्जॉय बैटलिंग। ओके अगर हाँ ठीक है, काम कर लेते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा माइड गाय का ट्रेनिंग कर लेता हूँ, ताकि फिर माइड गाय भी इवॉल्व हो जाए आज के एपिसोड में। क्या तू मेरे साथ बैटल करेगा? आई एम गोइंग टू रफ यू अप। ओके ठीक है, आ जा ब्रो। ओके परफेक्ट परफेक्ट मिल गया है हम लोगों को, परफेक्ट बकरा मिल गया गाइस, इसको हम लोग फोर्स पाम के साथ लिटरली। ओ ओके आई एम सो सॉरी, आई गेस वीट हेरिडियर तो आई गेस नॉर्मल टाइप का होता है ना, तो फोर्स पाम उसके सामने सुपर इफेक्टिव होना चाहिए, बट नहीं है, टू बैड। कोई बात नहीं कोनान, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। ओके गाइस लेट्स यूज एयर स्लैश। आई गेस मेरे को विंग अटैक नहीं हटाना चाहिए था, बट या कोई बात नहीं, मतलब ठीक ठाक ही है, मतलब न्यू मूव भी सीखना जरूरी था ना। माचैम पा रहा है, माचैम के लिए भी मैं इसी को रखना प्रेफर करेगा कोनान को।
आई गेस मुझे पोकेमॉन चेंज करना चाहिए था, बट या कोई बात नहीं, एयर स्लैश एक और। गाइस मुझे समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे ये फाइटिंग टाइप होना चाहिए ना, एंड फाइटिंग टाइप के सामने तो एयर टाइप सुपर इफेक्टिव होता है, बट यहाँ पे अच्छा ये डार्क टाइप भी है क्या इस गेम में? आई डोंट नो। क्रॉस पॉइजन, ओके माइट गया आई गेस, तो कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, क्विक अटैक करके इसको ख़त्म कर देंगे एंड आई गेस अभी तो इवॉल्व हो जाएगा। ओके माइट गया 46 का हो चुका है, दैट मीन्स ये भी अभी जाके इवॉल्व हो जाएगा। एक और पोकेमॉन आ रहा है शिफ्टरी, शिफ्टरी के लिए मैं यूज़ करेगा काकाशी का, एंड काकाशी भी लेवल 48 पे जाके इवॉल्व हो ही जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। वेट ये क्या हो रहा है, ये ग्रास टाइप है तो यहाँ पे ये मतलब फायर टाइप के सामने सुपर इफेक्टिव होना चाहिए, बट यहाँ पे ये साइकिक टाइप का है। अच्छा वेट 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 मुझे समझ में आ रहा है, ये इनवर्स बैटलिंग हाउस है, मतलब यहाँ पे मे बी पोकेमोन के जो काइंड ऑफ टाइप्स होते हैं वो इनवर्स होंगे, आई गेस मुझे ऐसा लग रहा है, बट या मतलब समझ गया मेरे को क्या हो रहा था यहाँ पे। बट गाइस वो छोड़ो, अभी हमारा माइट गया भी इवॉल्व हो रहा है आज ही के एपिसोड में, लिटरली मतलब एक ही एपिसोड में दोनों पोकेमोन इवॉल्व हो रहे हैं, जो कि मैंने ऑब्वियसली बातें मैंने की है। मैं भी आपको वही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको अपने पोकेमोन को इवॉल्व कराना है, मतलब लो मतलब नॉर्मली अगर आपका पोकेमोन इवॉल्व नहीं हो रहा है तो ये तरीका यूज़ कर लेना, जिससे कि आपके दोनों पोकेमोन इवॉल्व हो जाएगा, दोनों मतलब अगर आपको करना है तो। पावर अप हिट ओके, ये मूव में ज़रूर सिखाएगा, इससे मुझे पता है क्या होता है, ये अटैक लगने के बाद काइंड ऑफ अटैक बढ़ जाता है, तो मैं फोर्स पाम हटा के ये सिखाऊंगा, क्योंकि फोर्स पाम की सिर्फ 10 PP है एंड पावर अप हिट की 20 है, जो कि मेरे को ज़्यादा काम आएगी, जो कि ज़्यादा मेरे को वैल्यू प्रोवाइड करेगी। ओके गाइस आई गेस अभी हम लोग यहाँ से निकल लेंगे, हाँ निकल ही लेते हैं। तो गाइस फाइनली मेरे दोनों पोकेमोन लेवल अप हो चुके हैं, मतलब अपने फाइनल एवोल्यूशन में आ चुके हैं, एंड आई नो मुझे थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा है, मुझे लग रहा है कि विंग अटैक मुझे नहीं हटाना चाहिए था, मुझे ऐसा लग रहा है, बट कोई बात नहीं, मतलब कभी कभी ज़रूरी थोड़ी है ना कि सारे स्पेशल अटैक मतलब सारे फिजिकल अटैक लेकर घूमना चाहिए। एंड वेट पहले मैं टी एम के चेक कर लेता हूँ कि कोई अटैक सिखाने लायक है अभी कि नहीं। मुझे दिस मूव रिड्यूसेस डैमेज फ्रॉम फिजिकल एंड स्पेशल मूव्स फॉर 5 टर्न्स ड्यूरिंग हेल स्टॉर्म। ओके नहीं नहीं फिर तो आई डोंट नो, अब मैं रिटर्न सिखा सकता हूँ, पता है गाइस रिटर्न में अभी माइट गाय को सिखा सकता हूँ, क्योंकि वो अभी ऑलरेडी हैप्पी है मेरे साथ, बट आई गेस छोड़ो ना कोई बात नहीं। मैं पहले तो थोड़े से माइट गाय के स्टैट्स देख लेता हूँ। ओके क्वायरी नेचर है इसका 130। वेट इसके सामने हार्ट क्यों आया है? वेट इसके सामने भी हार्ट है, आई गेस हार्ट का मतलब ये होता है कि ये मेरे से हैप्पी है, आई गेस ऐसा कुछ तो होगा, बट अभी फ़िलहाल तो इसके सामने रेड हार्ट है, दैट वॉट डज मीन आई डोंट नो, बट या ये काफ़ी अच्छा पोकेमोन है, स्वॉर्ड डांस से इसका अटैक बढ़ जाएगा। आई नो मेरे को बस एक बात याद रखनी है कि लेवल 50 के क्रॉस नहीं इनको करना, तो फिलहाल जो पोकेमोन के लेवल कम है हम लोग उनको ही ध्यान देंगे, जस्ट लाइक ओरोची मारू, ये तो बेचारा 36 पे अटका है लास्ट, मतलब मैं इसको लास्ट एपिसोड में भी ज़्यादा यूज़ नहीं किया था, बट या कोई बात नहीं, यहाँ पे एक जिम भी है, आई गेस मैं इसको चैलेंज कर सकता हूँ। मेल द जिम लीडर इजेंट हियर राइट नाउ, ही इज़ प्रोबेबली ऑफ क्लियरिंग हिज हेड समवेयर। ओके ठीक है फाइन, मेल को हराने के लिए हम लोग ट्राई कर लेंगे, कोई बात नहीं, तब तक के लिए मैं थोड़ा सा हमारे ओरोची मारू को आगे रखेंगे एंड ट्राई करते हैं यहाँ पे। मेरे को रूट वेट वेट मेरे को जहाँ तक याद है वो जैक्स हमें बोला था कि हम लोगों को टहल टाउन जाना है रूट 10 का यूज़ करके, एंड अभी हम लोग यहाँ पे है फॉल्सोर सिटी में, एंड ओके गाइज रूट 10 यहाँ पे है, तो हम लोगों को यहाँ पे जाना है, ओके टहल टाउन जाना है ना, तो ठीक है हम लोगों को यहाँ से काइंड ऑफ वेट ये वेस्ट में जाना है, हम लोगों को यहाँ से वेस्ट में जाना है, तो क्या ये बोट लेके जाएगी मुझे यहाँ पे? आई डोंट नो, नहीं यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा है गैस, यहाँ से कोई दूसरा रास्ता होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। हेलो ब्रो, यू वुड नेवर कैच मी इनसाइड व्हेन आई एम रेनिंग। ओके इट्स रेनिंग एक्चुअली, मोस्ट पीपल हियर वुड प्रोबेबली हेड इनडोर्स। ओके जिसके घर के भी सामने काइंड ऑफ ऐसा होता है ना, मिशन हेडक्वार्टर्स कम गेट योर नेक्स्ट जॉब। ओके जॉब मिलती है यहाँ पे,
वेलकम टू मिशन हेडक्वार्टर्स, दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम हियर इज़न्ट इट? देन टेल मी, डू यू नो अबाउट मिशंस? यस आई नो अबाउट मिशन, ऑफ कोर्स यू डू, हु डजंट? सो कम सी मी व्हेन यू हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 5 मिशंस. ओके, अभी तक मेरे तो 2 ही मिशन कंप्लीट किए जो कि मैंने जानबूझ के नहीं किए थे, बट या आई गेस हम लोगों को साइकिल यूज़ करनी चाहिए. नेवर माइंड गाइस, हम लोगों को अभी रूट 10 से जाना है. ओ वाओ, यहाँ का एरिया काफ़ी अच्छा है एंड यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग ही एनवायरनमेंट हो चुका है, बट या लेट्स सी. यहाँ पे बारिश भी हो रही है, बट गाइस इसके वजह से मैं खुश नहीं हूँ. मैं खुश इसके वजह से हूँ क्योंकि मेरे अभी पोकेमॉन मेरी बातें सुनेंगे. इट्स ऑलवेज रेनिंग हियर. व्हाई इट इज़ ऑलवेज रेनिंग हियर? आई डोंट नो, बट या एक लॉम्बरी आ रहा है. आई गेस मुझे पोकेमॉन चेंज करना पड़ेगा. लेट्स यूज माइट गाय जो कि लोकारियो है हमारा अभी. लेट्स यूज स्वॉर्ड डांस. ओके, बबल बीम जो कि थोड़ा और स्ट्रांग हो जाता है बिकॉज यहाँ पे बारिश गिर रही है. ओके, मतलब लिटरली 3 गुना अटैक बढ़ चुका है मेरा स्वॉर्ड डांस से 2 बार और पावर अप हिट से 1 और बार. मैं इसी को रखना प्रेफर करेगा. आई नो पल्पिटोड के ऊपर ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ेगा, बट फिर भी हम लोग यूज़ करेंगे. ये काफ़ी सही है ना, मतलब लिटरली देख सकते हो. बट माइट गाय का यूज़ करना भी मुझे बंद करना पड़ेगा. बट द रेन वॉज सपोज टू पुट मी एट एडवांटेज. हाँ, तेरे को एडवांटेज था ब्रो, ऐसा मत बोल. ओके, मुझे जाना कहाँ पे है मुझे कोई आइडिया नहीं. आई गेस यहाँ से तो जाने का कोई रास्ता नहीं है. अच्छा है. ओके, क्विक बॉल मिला मुझे यहाँ पे. आई डोंट नो मुझे जाना कहाँ पे है, सीरियसली मुझे भी नहीं पता. एक तो ये साइकिल के साथ चलना थोड़ा सा और हार्ड हो जाता है, बट मैं फिर भी चूज़ करेगा साइकिल के साथ चलना. ओके, आई गेस यहाँ से जाना है मुझे. नहीं, ये भी तो डेड एंड ही है. आई डोंट नो मुझे जाना कहाँ पे है. यहाँ से भी कोई रास्ता नहीं है, यहाँ से भी कोई रास्ता नहीं है. आई गेस आई डोंट नो जाना कहाँ से है मुझे. वेट, ये क्या है? यहाँ पे मैं गया था ना. हाँ, इनवर्स बैटल हाउस. मतलब इनवर्स बैटल हाउस का मीनिंग मुझे पता चल गया गाइज. यहाँ पे लिटरली जो टाइप्स होते हैं ना, मतलब समझ लो कि फ्लाइंग टाइप के सामने इलेक्ट्रिसिटी सुपर इफेक्टिव होती है एंड कौन सा अटैक हिट नहीं होता ग्राउंड टाइप. बट जस्ट बिकॉज यहाँ पे इनवर्स बैटलिंग हाउस है तो यहाँ पे ग्राउंड टाइप सुपर इफेक्टिव होगा बट इलेक्ट्रिसिटी नॉट सुपर इफेक्टिव होगी, ऐसा कुछ तो होगा जहाँ तक मेरी स्पेकुलेशन लगा रहा हूँ मैं. वेट, देखते हैं बाकी के वेंडर्स क्या बेच रहे हैं. गेट योर स्टैट बूस्टिंग आइटम्स हियर. ओके, जैसे कि HP. अब ओके, यहाँ पे मतलब इतना मेरे पास अभी फ़िलहाल तो पैसा नहीं है, बट या कोई बात नहीं. हाउ वुड यू लाइक मोमू मिल्क? ओके, मोमू मिल्क मैं लेना प्रेफर करेगा. ओ, 1 dozen आई विल गिव यू टू यू जस्ट फॉर. ओके, डजन्स लेना प्रेफर करेंगे. 12 मिल गए मेरे को. दैट विल बी 6600. ओके, ठीक है, लूट लो कोई ना. आप क्या बेच रहे हो अंकल? हाय देयर, मे आई हेल्प यू? काम माइंड, बल्क अप और प्रोटेक्ट. ओके, काम माइंड मुझे मतलब आ तो सकते हैं गाइस. मैंने सोचा है कि मैं मेरे टीम में जो नेक्स्ट मेंबर होगा वो मैं एक काइंड ऑफ किरिला को ऐड करूँ या फिर काइंड ऑफ गाड़ीवर को ऐड कर सकता हूँ, बट उसकी लोकेशन मुझे नहीं पता. तो अगर आपको किरिला की या फिर गाड़ीवर की लोकेशन पता है या फिर रायल्स की लोकेशन पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना और मैं उसका नाम कागुया रखूँगा. अगर आपके पास रायल्स के लिए या फिर गाड़ीवर के लिए कोई नाम सजेशन है तो वो भी बता देना एंड उसकी लोकेशन भी बता देना. ओके, बट सीरियसली मुझे रूट 10 पे मतलब जाना कहाँ से है? देख, एक मिनट में मिशन चेक कर रहता हूँ. मेक योर वे डाउन टू रूट 10 टू टहल टाउन. ओके, वेट एक बार, मैं फिर से साइकिल नहीं, कहाँ पे जा रहा हूँ मैं? टाउन मैप एक बार ओपन करके रूट 10 पे जाना पड़ेगा ना मुझे. रूट 10 पे ही तो हूँ मैं. केव ऑफ बीइंग, ये केव कहाँ पे है? मुझे केव तो मिली नहीं. मेरे को एक बार फिर से रूट 10 पे जाना पड़ेगा गाइस एंड इस बार मैं मेरे आंखें खोल के काइंड ऑफ सर्च करेगा उस केव के लिए, क्योंकि आज मतलब मुझे कुछ आइडिया नहीं है ये केव कहाँ पे होगी. बट या लेट्स सी, मे बी यहाँ पे कहीं पे हो सकती है. ये तो सब बंद ही है. मे बी यहाँ पे कुछ हो सकता है. नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं है.
यहाँ पे कुछ है क्या? ओ यहाँ पे एक रास्ता है। ओके, फॉल्स फाइव मिला मुझे, जो कि लास्ट टाइम मेरे से छूट गया था। और यहाँ से अगर मैं आऊँगा तो भी फिर मैं आगे कहाँ पे जा सकता हूँ? वेट, ट्रेनर टिप, हॉप ऑन द रॉक्स टू क्रॉस ओवर द वाटर। ओके ओके ओके, समझ गया। ओ तभी मैं सोचूँ यहाँ से आगे कहाँ से जाना है, मुझे पता ही नहीं था। बट या अब जब मुझे पता चल गया है तो हम लोग बैटल को अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, ये केव भी मुझे पता चल गई, दैट्स नाइस ना। ट्रेनर टिप, प्रेसिंग सेलेक्ट विल बी यूज टू सेट वन ऑफ सिक्स रजिस्टर्ड आइटम्स। ओके, टू रजिस्टर एन आइटम। हाँ मुझे पता है, ये पता है मुझे, पता है ये, मैंने ऑलरेडी, मैं यूज़ करता हूँ, मैंने ऑलरेडी मेरी ये क्या बता रहा है, आई डोंट नो। अच्छा, एल बटन का यूज़ करके भी हम लोग काइंड ऑफ एक बैटल को सिलेक्ट, मतलब आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी सिलेक्ट को दबाया तो साइकिल सिलेक्ट हुई थी। बट आई गेस मुझे यहाँ पे ये बैटल करनी पड़ेगी। आई केम आउट हियर टू लर्न अबाउट द पोकेमोन इन दिस एरिया। ओके ब्रो, एक डिट्टो। पता है डिट्टो को, अगर आपके, मतलब अगर आपको डिट्टो से फाइट करनी है, इट्स बेटर कि आप लोग डिट्टो को पहले ही एक मूव में ही काइंड ऑफ ख़त्म कर दो, क्योंकि जब वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है हराने के लिए। बट नेवर माइंड गाइज, असली असली होता है, कॉपी कॉपी होता है। ओरिचिमारू 37 का हो चुका है। एक लिनून आ रहा है। कॉइल से मैं थोड़ा सा पहले डिफेंस बढ़ा देता हूँ और अटैक बढ़ा देता हूँ। एंड एक बार मैं थोड़ा सा हील करना भी प्रेफर करेगा। मैं नहीं चाहता कि ये पोकेमॉन मेरे बाकी पोकेमॉन से थोड़ा सा पीछे हो जाए। सो फ्रेश वाटर। एंड अब जबकि मैंने इसका डिफेंस बढ़ा ही दिया है तो, या अरे इसकी स्पीड मेरे से ज़्यादा है। बट गाइस, कितना अच्छा लगता है जब आपका पोकेमॉन आपकी बातें सुनता है, सीरियसली मज़ा आती है। वॉट, आई एम नॉट स्किपिंग स्कूल। ओके, आई गेस मुझे पोकेमॉन हील कर लेना चाहिए। मैंने पोशन, सुपर पोशंस बाई किए थे एंड एक नॉर्मल पोशन यूज़ कर लेता हूँ। ओके, आई गेस वी आर गुड टू गो। अंकल आप, अरे अंकल बैटल करेंगे, स्टॉप राइट देयर। ओके, आई वॉन्ट टू पॉइंट, आई वॉन्ट टू पेंट दिस परफेक्ट मोमेंट। अच्छा, मैंने पेंट पढ़ दिया, पॉइंट पढ़ दिया था, बट हाँ इट्स पेंट। लेवल 44। ओके, कॉइल नेस्टी प्लॉट से अपना ये स्पेशल अटैक बढ़ा रहा है। आई डोंट नो ऐसा कौन सा ये स्पेशल अटैक यूज़ करेगा मेरे सामने। अच्छा, हरी कैन। ओके, जो कि सुपर डुपर इफेक्टिव है एंड प्लस, बट या वन शॉट किल, नाइस नाइस। अ यंग किड डैशिंग थ्रू। मैंने आई गेस मैक्स रिपल का यूज़ तो नहीं किया, बट डैम्प रॉक मिला। एन आइटम टू बी हेल्ड बाय पोकेमॉन, इट एक्सटेंड्स द ड्यूरेशन ऑफ द मूव रेन डांस व्हेन यूज्ड बाय द होल्डर। ओके, ये सब ऐसे आइटम्स क्यों यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं? ओके, एयू बन वाटरवे। आगे जाएंगे तो रूट 6 पे क्या है मुझे पता नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं। वैली किए हुए और रूट नीचे, रूट 10 है। ओके, यहाँ से कोई एंट्रेंस है क्या? नहीं, यहाँ से कोई एंट्रेंस नहीं है। बट या यहाँ से मैं पत्थरों को क्रॉस कर सकता हूँ। ए वेट, ये तो मैं फिर से वहीं पे आ गया। मुझे जाना कहाँ पे है? ओके गाइस, जस्ट आपको यहाँ पे नीचे आना था एंड यहाँ पे आने के बाद जैक्स ने हम लोगों को बुलाया, लेट मी इन। ओके, जैक्स बोल रहा है, आई स्वेयर एज सून एज दिस बैरियर इज डिसएंगेज आई एम कमिंग फॉर यू। ग्रंट्स, गुड लक विद दैट, दिस बैरियर इजेंट गोइंग डाउन अंटिल वी हैव कंप्लीटेड अवर ऑपरेशन। देयर इज नो वे यू आर गेटिंग इन। हाँ ओके, कम ऑन स्टारेप्टर, देर हैज़ टू बी अनदर वे ऑन टू द रूट। मे बी देर इज अ सीक्रेट अंडरग्राउंड पैसेज इन टाउन, लेट्स गो लुक अराउंड। मतलब टाउन में सीक्रेट अंडरग्राउंड पैसेज है? ओके, लुक अराउंड टहल टाउन एंड फाइंड अ वे टू, टहल टाउन में जाके वे ऑन टू रूट 9। ओके, मतलब ओके, अंडरग्राउंड पैसेज मेरे को फाइंड करना है ना यहाँ पे। लेकिन उससे पहले रिपेल की कोई ज़रूरत नहीं, अभी मेरे को बस एक अंडरग्राउंड पैसेज फाइंड करना है। बट आई गेस आज का एपिसोड बड़ा हो ही चुका है, तो मैं आज का एपिसोड आई गेस मैं यहीं पे एंड करना प्रेफर करेगा। आई होप आप लोगों को आज का एपिसोड पसंद आया। आज के एपिसोड में हम लोगों ने
हमारे दोनों पोकेमोन्स को लेवल अप कर लिया। तो गाइज़ मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। एंड गाइज़ अगर आपको पता रहेगा ये अंडरग्राउंड पैसेज कहाँ पे है, मतलब लेफ्ट में, राइट में, या फिर साइड में बता दो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। मैं फिर से साइड बता देता हूँ, ऊपर वाली नॉर्थ होती है, नीचे वाली साउथ होती है, लेफ्ट साइड वाली होती है वेस्ट, और ईस्ट साइड मतलब राइट साइड वाली होती है ईस्ट साइड। तो अगर आपको पता रहेगा ये कहाँ पे है तो मुझे साइड बता देना और मैं उस साइड में फाइंड कर लेगा। आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो एंड पीस आउट।